लोगों का बहुत साथ और समर्थन मिल रहा है, और मैं समझता हूँ हिसार 20 अगस्त को होने वाला विपक्ष आपके समक्ष ऐतिहासिक होगा। जिस तरीके से भिवानी में ऐतिहासिक हुआ था, हिसार में भी 20 अगस्त को ऐतिहासिक विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होगा। और चूंकि अब चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो अभी तक तो हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों के मुद्दे उठाने का काम कर रहे थे। अब 4-5 महीने 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, अब हम ये विपक्ष आपके समक्ष नहीं रहेगा, अब ये हम विकल्प आपके समक्ष लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के जन समर्थन से एक विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को लोग देख रहे हैं। और ये विपक्ष आपके समक्ष नहीं, अब ये विकल्प आपके समक्ष हिसार में मैं इस कार्यक्रम को नाम दूंगा। देखिए बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जो भी फिलहाल के जो मुद्दे हैं, जो विधानसभा में भी हमारे सारे विधायक उठाने का काम करेंगे, प्रमुखतः विधानसभा में, चाहे वो सीटी की बात हो, हमारी मांग है कि सीटी वालों को मौका मिलना चाहिए क्वालिफाइंग को। 4 गुना की शर्त का कोई मायने नहीं है, उसकी संख्या बढ़ाई जाए, ये हमारी मांग है, विधानसभा में उठाएंगे। इसी रूप से बाढ़ में जो मुआवजा मिलना चाहिए, और बिना बाढ़ के भी जो फसल खराबे का मुआवजा बीमा कंपनियों द्वारा मिलना चाहिए, तो मिल नहीं रहा। सिरसा के अंदर नारायणखेड़ा का आंदोलन ये दिखाता है, और बीमा कंपनियां किसानों के सर पे बहुत मुनाफा कमा रही हैं। तो हम ये बाढ़ से संबंधित जो किसानों को भी, और जहां आवासीय क्षेत्र में नुकसान हुआ वहां भी जो मुआवजा है उसकी बात हम उठाएंगे। बाढ़ से संबंधित एक और बात ये है कि जहां मिट्टी आ गई खेतों में, वो उसको उठाने के लिए सरकार वहां से मुनाफा कमाने की बात कर रही है। उनकी फसल खराब हो जाए तो उसकी सरकार को चिंता नहीं है, लेकिन मुनाफे कमाने की चिंता है, दुख की बात। और इसके साथ आखिरी जो मुद्दा, हम ये जो हिंसा हुई में सरकार की विफलता थी, ये मुद्दा भी उठाने का काम करेंगे। ये कुछ ऐसे मुद्दे जो हम विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि जलसा शुरू हो गया, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नहीं, उनकी सरकार ने कौन लगाता है, ये किसने बोला, ये उनकी सरकार ने किसको गिरफ्तार किया, तो अपनी सरकार को बताएं। सरकार ने जिनको गिरफ्तार किया है जो है, तो वो तो उसकी सरकार, तो उनकी पुलिस, हरियाणा पुलिस तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के अंडर में, उन्होंने एक जो है कोई बजरंगी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो कुल मिला के ये सरकार की विफलता थी। 10 दिन से माहौल खराब किया जा रहा था, सोशल मीडिया पे आमने सामने बयान आ रहे थे, उसके बाद सरकार ने वहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं करी पुलिस की। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि 2-3 हज़ार पुलिसकर्मी हर साल दिए जाते थे इस यात्रा में, इस बार होमगार्ड्स के भरोसे यात्रा छोड़ दी गई। अगर पुलिस की नियुक्ति की जाती तो दोनों समुदाय का आपस का टकराव नहीं होता। सरकार की या तो विफलता है, या सरकार की नीयत खराब थी इस मामले में, और प्रदेश के लोगों को इस बात, ये सारी बात शीशे की तरह स्पष्ट दिखाई दे चुकी है। रैली में दौड़ चल रहा है सर, काफी बातचीत कर रही है कांग्रेस में, और एक और देखिए, आप सारे अपने पार्टी का विचार करते हैं, तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है। जो बीजेपी है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में इतने फूट है कि हर कोई सीएम बनने का दावा करता है, तो ये आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे, हमें चिंता नहीं। ये बीजेपी अपनी बात कर रही होगी, क्योंकि बीजेपी में इतनी फूट है कि धनखड़ साहब कह रहे हैं कि संदीप सिंह को हम प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं बिठाएंगे, और खट्टर साहब कह रहे हैं कि उसको कैबिनेट से हम ड्रॉप नहीं कराएंगे, राव इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि मैं आदमपुर चुनाव में नहीं जाऊंगा। आप लोग वो थोड़ा कम खबर दिखाते हो, लेकिन वो बात अपनी करते हैं जब फूट की बात। कांग्रेस एकजुट है, लोग एकजुटता से कांग्रेस के साथ।